सेवानिवृत्त शिक्षकों को किया सम्मानित। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर मंगलवार को स्थानीय रिद्धि सिद्धि कॉलोनी स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के राजयोग सेवा केंद्र पर सेवानिवृत्त अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का कुमकुम तिलक कर माला व दुपट्टा पहनाकर तथा बाबा के घर की सौगात देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी निशा दीदी ने कहा कि शिक्षक एक मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर यानी कड़ी मेहनत लगन से शिक्षा देकर दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं। सेंटर पर आने वाले सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक चांदवल वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ राजयोग सेवा केंद्र पर आने पर स्थिरता प्रदान होती है। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य गिरधर गोपाल ने कहा कि जीवन काल के इस पड़ाव पर भी कई अनसुलझे सवालात रहते हैं जो यहाँ संस्थान पर आकर सुलझ जाते हैं, यानी उनका सार्थक उत्तर मिल जाता है एवं शिक्षा व चिकित्सा को आज के दौर में कई लोगों ने सेवा की अपेक्षा अर्थ से जोड़ दिया है जो उचित नहीं है। सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापिका मंगला गुप्ता ने कहा कि कर्म को ईमानदारी व निष्ठा से करना चाहिए। सेवानिवृत्त व्याख्याता गंगा गुप्ता ने कहा कि शिक्षा ही उत्तम है जो अच्छे संस्कार देवे। संस्थान से विगत करीब 14 वर्षों से जुड़ी हुई सेवानिवृत्त मधुबाला ने कहा कि जब से वे संस्थान से जुड़ी तभी से बाबा ने उनके मार्ग के कांटों को चुन लिया। हमें यहाँ पर परम शिक्षा पढ़ाकर हमारे जीवन को सवार रहा है। लीला भटनागर ने कहा कि सेवानिवृत्त के पश्चात संस्थान द्वारा उन्हें याद करने व सम्मान करने पर अच्छा लगता है और वे बाबा के इस यज्ञ में सहयोगी बनेंगी। इस अवसर पर सेवानिवृत्त नरेंद्र कुमार वर्मा, जगदीश चौरसिया सहित सेंटर पर आने वाली विमला माता बहिन, विद्या बहिन, प्रमोद शर्मा, राकेश प्रजापति एवं दिलीप शर्मा मौजूद थे। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट।